दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2022 में और 2023 में बहुत सारी हिंदी वेब सीरीज रिलीज़ की गई हैं, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज़ के बारे में जो कि बेस्ड है रंगदारी के ऊपर, यानी कि इनकी स्टोरी बेस्ड है कुछ ऐसे गैंगस्टर के लाइफ के ऊपर जिनकी स्टोरीज देखकर आप सच में अचंभित होने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज़ के बारे में आज के इस काउंटडाउन में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग रंगदारी भरी सीरीज़ हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, धनानम। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां पर जमींदारों का राज चल रहा होता है। इसी बीच एक साधारण फैमिली से एक लड़का उठता है उन जमींदारों का सफाया करने के लिए, और लास्ट तक वो लड़का जमींदारों का सफाया करने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 9, शिकारी। सीरीज बेस्ड है एक्शन क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है तीन दोस्तों से, और वो अपनी लाइफ को किस तरह जीते हैं, इवन अपने लाइफ में कितने बड़े बड़े वो क्राइम्स करते हैं, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 दोनों ही जबरदस्त हिट बनाई गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं चौपाल ओरिजिनल पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.4। नंबर 8, मुंबई माफिया, पुलिस वर्सेस द अंडरवर्ल्ड। सीरीज बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट एक्चुअल में डी कंपनी के कंप्लीट बायोपिक के ऊपर बेस करके बनाई गई है, यानी कि दाऊद इब्राहिम किस तरह मुंबई में आतंक फैला रहा होता है, इवन उसने कितने सारे मर्डर्स किए होते हैं, इवन कितने सारे ब्लास्ट किए हुए रहते हैं, यही सारी चीजें इस पूरे वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 7, शिक्षा मंडल। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट आपको ले जाती है भोपाल, जहां पर एडुकेशन को लेकर एक अच्छा खासा स्कैम किया जा रहा होता है, लेकिन इस स्कैम के पीछे असल में किसका हाथ रहता है, इवन पुलिस उस तक किस तरह पहुंचती है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 6, भोकाल सीजन 2। सीरीज बेस्ड है एक्शन थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक ऐसा गैंगस्टर जो कि पूरे शहर में तबाही मचाए हुआ था, लेकिन इसी बीच एसएसपी नवीन शिकरे उन गैंगस्टर का सफाया किस तरह करते हैं, इवन मुजफ्फरपुर को क्राइम फ्री किस तरह बनाते हैं, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर पर, और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.8। नंबर 5, मर्डर इन अ कोर्ट रूम। सीरीज बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे बस्ती से जहां पर अकी यादव नाम का एक गुंडा तबाही मचाए हुए था, यानी कि वो बस्ती में बहुत ज्यादा तबाही मचाता था, इवन लड़कियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार भी करता था, लेकिन लास्ट तक सीरीज में देखने लायक यह है कि अकी यादव का असल में खात्मा किस तरह किया जाता है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 4, धारावी बैंक। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है धारावी बैंक से, जहां पर बहुत सारे क्रिमिनल्स का पैसा रखा जाता है, लेकिन इस बैंक का ओनर एक गैंगस्टर होता है, और इस गैंगस्टर को पुलिस किसी भी तरह से पकड़ना चाहती है, और लास्ट तक सीरीज में देखने लायक यह है कि इस गैंगस्टर तक पुलिस किस तरह पहुंचती है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 8.3। नंबर 3, रंगबाज सीजन 3। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज में आप देख पाएंगे एक ऐसे गैंगस्टर को जो कि बिलोंग करता है एक नॉर्मल फैमिली से, लेकिन वो लास्ट तक किस तरह बहुत बड़ा गैंगस्टर बनता है, इवन उसकी पॉलिटिकल कैरियर किस तरह शुरू होती है, इवन लास्ट तक उसका सफाया किस तरह होता है, यही सारी चीज दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Z5 पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6.9। नंबर 2, खाकी द बिहार चैप्टर। सीरीज बेस्ड है एक्शन थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अमित लोधी से, जिसका पहला ट्रांसफर बिहार में होता है, लेकिन बिहार में जाते ही उनका सामना एक चंदन महतो नाम के गैंगस्टर से होता है, और लास्ट तक अमित लोधी चंदन महतो का सफाया किस तरह करते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 8.2।
और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे कैट सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है गुरनाम से, जो कि पुलिस की मुखबरी का काम कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से ही एक दिन उन्हें ऐसा सीक्रेट पता चलता है जिसकी वजह से वो पुलिस के ही दुश्मन बन जाते हैं। और सीरीज में देखने लायक यह है कि गुरनाम असल में पुलिस का दुश्मन क्यों बनता है, इवन लास्ट तक वो पुलिस से रिवेंज लेने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।